हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो अभी जस्ट जो है कुछ दिन पहले अनाउंसमेंट सुना था कि शक्तिमान शक्तिमान को लेकर मुकेश खन्ना ने कुछ अनाउंसमेंट वगैरह की है। फिर से जो है वो शक्तिमान पर्दे पे आने वाला है, लेकिन ये पर्दा जो है वो छोटा होगा, यानी कि यूट्यूब पे होगा। ये जो है बड़े पैमाने पे हम लोग जो सोच रहे थे सिनेमा पे होगा या OTT पे होगा या जैसे भी होगा। 2 साल पहले जो एक अनाउंसमेंट की गई थी जिसमें ये इंटरनेट जो है वो दहल चुका था आपका, कि नहीं शक्तिमान जो है वो कमबैक कर रहा है। वो चीज़ें देखने को मिली कि क्या रणवीर सिंह हो सकते हैं या कोई और एक्ट्रेस को जो है प्ले कर सकते हैं। और मुकेश खन्ना के यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी बहुत सारे व्यूज़ भी देखे और बहुत सारे जो है उनके राय भी देखे। और कोई भी अगर एक्टर मिलने जाता था तो उसके बाद जो है स्पेकुलेशन बढ़ जाती थी कि हाँ यही एक्टर काम करने, फिर वो वीडियो बनाते थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और एक तरह का जो इनका मतलब एक हो चुका है शक्तिमान को लेकर, कह सकते हैं कंजर्वेटिव सोच है, या मतलब वो नहीं चाहते हैं वो अपने से दूर चले जाना। एक एक जो बेटन होता है कि आप जो है वो दूसरे को जो है पास करते हैं, वो नहीं करना चाहते। वो एक इसी लूप में इसी चीज़ में वो फंस चुके हैं कि शक्तिमान जो है वो खुद अभी इस उम्र में, जो इस एज में, इस जो है वो परिप्रेक्ष्य में जो है वो खुद ही एक्टिंग करने वाले हैं। तो देखो यार, शक्तिमान को लेकर देखो, मैं अगर मैं बात करूँ अपनी बचपन की बात करूँ तो शक्तिमान वॉज समथिंग एल्स। मतलब कि ऐसा इमेजिन नहीं कर सकते थे हम लोग। हफ्ते में एक दिन आता था और उसमें भी जो है वो चीज़ें होती थी कि यार अगर लाइन कटा तो समझो गए हम लोग, नेक्स्ट वीक देखने को मिलता था, रिपीट वगैरह कुछ नहीं था। तो उस समय वो भी नेशनल टीवी पे ऐसी जो चीज़ें वो देखने को मिलती थी। एज़ कम्पेयर टू वहाँ उस ज़माने में बहुत सारे जो है सीरियल्स वगैरह आ चुकी थी, सास बहू वाले सीरियल्स आ चुके थे। तो उस ज़माने में वैसा सुपर हीरो का जॉनरा जो है वो यहाँ पे लाया गया था मुकेश खन्ना के द्वारा पे, और बहुत ही साल चला। लेकिन फिर उसके बाद एज़ यू ऑल नो की जो डिमांड वगैरह रहती है स्लॉट को लेकर कुछ प्रॉब्लम वगैरह हुई। मुकेश खन्ना ने बहुत सारे इंटरव्यूज़ वगैरह में बताए थे। खन्ना ने भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं बात की शक्तिमान को लेकर। आज के ज़माने का जो कह सकते हैं किलविज जो है वो कोई और नहीं, सोशल मीडिया है, या बच्चे जो है अलग रास्ते पे जा रहे हैं या समथिंग लाइक दैट। तो मैं समझता हूँ कि मुकेश खन्ना जी को, सर को ये समझना चाहिए कि ये जो है पहले की जो चीज़ें थी, पहले की जो चीज़, क्योंकि हम लोग जो है, मुझे याद है कि जब जब मैं 2012-13 में आसपास जो है आयरन मैन वगैरह जो है मूवीज़ वगैरह देख चुका था, तो आई वॉज़ लाइक कि यार एक बच्चा जो है वो कुएं से निकल के समुद्र में जाता है और देखता है। अगर आज के ज़माने में ऐसी मूवीज़ वगैरह आती हैं तो वो सीधा सीधा कंपेयर की जाएगी आपके इस जो DCU के सुपर हीरोज़ हो गए, आपके मार्वल के सुपर हीरोज़ हो गए, और बहुत सारी जो है वो अब जॉनरा जो है वो काफ़ी कंपटीशन टफ हो चुका है। देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अगर इस टाइम पे भी अगर जो आता है आपका शक्तिमान वगैरह भी आता है, तो जो एज ए मैं फ़ैन हूँ, देखो एक तो होगा कि हाँ नॉस्टैल्जिया के तौर पे जो है वो आप लोग एपिसोड तो बिल्कुल देखोगे, उसके बाद जो अगर मज़ा नहीं आएगा, वो जो ऐसा जो चीज़ें हैं वो आप जो चीज़ें हैं वो नहीं देख पाओगे, वो चीज़ें जो नहीं मज़ा आएगा, तो वो आप बिल्कुल उसको डिस्कार्ड कर दो। आप लोग भी अभी इस ज़माने में अगर यूट्यूब पे भी सारे एपिसोड मेरे ख्याल से अवेलेबल ही हो, कितने एपिसोड जो है आपने जाके देखा होगा। मुश्किल से मैं समझता हूँ कि मैं खुद अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे जब हुआ कि यार शक्तिमान तो यूट्यूब पे भी है, मैंने मुश्किल से 100 एपिसोड देखे होंगे। उसके बाद जो है वो इंटरेस्ट जो है वो मेरा लूज़ हो गया। लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा सवाल है, ऑब्सेशन जो है वो मुकेश खन्ना सर जी के साथ ये जो हो रहा है अभी कि शक्तिमान को लेकर कि नहीं मैं जो है इसे अपने से दूर नहीं जाने दूंगा, या कोई और दूसरा एक्टर जो है इसे प्ले नहीं कर सकता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मुकेश खन्ना सर जी का, मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ वगैरह भी देखता हूँ और मैं सोचता हूँ कि यार मैं नहीं देखता तो अच्छा होता, क्योंकि एक जो आप इमेज बना के रखते हो कि हाँ ये सुपर हीरो था, ये शक्तिमान था उस टाइम पे हम लोग देखते थे समझते थे, और अभी जो इंटरव्यूज़ वगैरह जो चीज़ें हैं वो देखते हैं, सारी जो चीज़ें हैं वो मतलब देखने में थोड़ा सा भी बुरा लगता है कि ऐसे जो हमारे सुपर हीरोज़ जो बचपन के सुपर हीरो थे वो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो हमें सुनने को भी मिलती है। बहुत सारी जो चीज़ें हैं कि मैंने इंटरव्यूज़ देखा था उसमें वो बात कर रहे थे आयरन मैन के बारे में कि ऐसे ऐसे जो चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि एक एक जो करेक्टर होता है वो दूसरे जो उसकी एक अलग कहानी है, उसकी अलग एक अपना जॉनरा है, इसकी अलग जॉनरा है, उसकी अलग कहानी है, तो एक जो है वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है। खैर, मैं समझता हूँ कि एक मौका था सोनी के साथ जो है वो ये मूवी आती और जो चीज़ें हैं वो नई चीज़ें हमें देखने को मिलती। खैर, ये मौका तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही चला गया है, और एज अ चाइल्डहुड मेमोरी मतलब शक्तिमान वॉज वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरोज ऑन दैट टाइम, और फिर से ये जो चीज़ें हैं मैच करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, मैं ये समझता हूँ। बाकी आप लोग कहना कि क्या मतलब आपका सोचना है, अगर आता तो अच्छा होता। अब देखिए 2027 तक ऐसा सुना जा रहा है कि आएगा, मुझे तो काफ़ी मुश्किल लग रहा है जिस तरीके के जो चीज़ें हैं। ये चीज़ें हैं वही हैं कि अगर आपके यहाँ पास आए तो अच्छी, ना आए तो और भी अच्छी। इसी के साथ इस